हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस विद देवेश। दिस इज़ देवेश कुमार एंड वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्लियर? सो इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ द रूल्स फॉर मेकिंग एन इमेज आउट ऑफ टू रेज। लेट अस रिमाइंड सम ऑफ द रूल्स। I have told you that if we have a ray of light or if we have an object, clear बेटा? अगर हमारे पास एक object है, ये हमारा object है, तो मैंने तुम्हें बताया था इसके हर एक part में से, इसके हर एक point में से क्या निकल रही हैं, ray of lights निकल रही हैं। ये कहाँ पर आती हैं? ये ray of lights किसी भी हमारे mirror पर fall करती हैं और मिरर पर फॉल करने के बाद ये क्या होती हैं? रिफ्लेक्ट होती हैं। क्लियर बेटा? रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रे ऑफ लाइट किसी भी पॉइंट पर जाकर क्या करती हैं? मीट करती हैं। ठीक है? तो अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और हमें उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है, तो मैंने तुम्हें ऐसा कहा था कि हमारे पास मिनिमम हमें कितनी लेनी है? दो रेज ऑफ लाइट लेनी है। क्लियर बेटा? तो हम वो रेज ऑफ लाइट कैसी लेते हैं? एक हम लेते हैं टॉप से जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, क्लियर, और दूसरी हम लेते हैं जो डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही हो, क्लियर, दो हो गई। तीसरी हम लेते हैं जो फोकस से पास हो रही हो। इनमें से कोई भी दो हम ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमें इमेज बनानी है तो इमेज बनाने के लिए ऐसा ज़रूरी है कि कम से कम हमारी दो रेज ऑफ लाइट मीट कर रही हों। कब मीट कर रही हो? आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्लियर बेटा? ये लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था, रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, ठीक है ना? ये सारी बातें मैंने तुम्हें क्लियर करी थी। तो दो स्टूडेंट्स हु हैवंट वॉच द लास्ट वीडियो, प्लीज़ वॉच ऑल द प्रीवियस वीडियो ऑफ दिस चैप्टर एंड देन वॉच दिस वीडियो, देन यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स वेरी क्लियरली। क्लियर बेटा? तो अब मैं तुम्हें क्या बताऊंगा? अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि हम इमेज फॉर्मेशन किस तरह से करते हैं। क्लियर? तुम्हें क्या ध्यान देना है, तुम्हें जिस बात पे ध्यान देना है वो मैं तुम्हें बताता हूं। ये हमारे पास टेबल है और इस टेबल में हमें बड़े अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि हमारे इमेजेस कैसे हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है? सबसे पहले मैं तुम्हें कोई इमेज नहीं दिखा रहा, मैं तुम्हें इसी में से इमेजेस बना के दिखाऊंगा। जैसे सबसे पहला हम लेते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है बेटा? इन्फिनिटी पे। ये देखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये कहीं भी इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। क्लियर? हम अभी इमेजेस सिर्फ किसके लिए बना रहे हैं? कनकेव मिरर के लिए। तो हमने ये हमारा कनकेव मिरर बनाया। थोड़ा मैं फ्री हैंड कर रहा हूँ, इसलिए शायद डायग्राम ईजी आपको समझ में ना आए, थोड़ा अच्छा ना लगे, लेकिन फर्दर हमारा मोटो क्या है, हमें क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर बेटा? यहाँ पे हमारा क्या रखा हुआ है? कनकेव मिरर रखा हुआ है। क्लियर? और ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। ठीक है? सबसे पहले हमें इसको M मानना है, इस पॉइंट को हमें N मानना है। क्लियर बेटा? अच्छा, इस मिरर का जो सेंटर है वो पोल है, पोल से पास होने वाली लाइन हमने बना दी है, जिसको हमने प्रिंसिपल एक्सिस नाम दिया हुआ है। और हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब वो हमसे बहुत दूर रखा हुआ है, और अगर बहुत दूर रखा हुआ है तो जितनी भी रेज ऑफ लाइट हमारी आईज तक आएंगी या लेंस तक आएंगी वो कैसी होंगी? स्ट्रेट लाइन। क्लियर बेटा? तो इसमें से हम दो रेज मानते हैं जो ऐसे स्ट्रेट लाइन आ रही हैं और इस लेंस के ऊपर, इस मिरर के ऊपर सॉरी, फॉल कर रही हैं। क्लियर? अब ये जो मिरर है, इसे मैंने जिस स्फीयर में से बनाया है उसी के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसका जो एग्जैक्ट सेंटर है वही मेरा क्या है? फोकस। और हमें ऐसा पता है, क्या पता है बेटा हमें, कि जब कोई रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास करती हैं? आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करती हैं। क्लियर? तो देखो, ये वो पॉइंट था, फोकस वो पॉइंट है जहाँ पर मेरी जो दो इमेजेस हैं, जो दो लाइट हैं, वो मीट कर रही हैं। क्लियर बेटा? तो मेरी इमेज कहाँ पर बनी? फोकस पे। देखो, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या लिखा हुआ था? इन्फिनिटी। क्लियर है? हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है।
पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ बनी, फोकस, बिल्कुल ठीक, हमारी भी फोकस पे बनी है। अब हमें इसके नेचर के बारे में बताना है, क्लियर बेटा, और साइज़ के बारे में बताना है। तो एक चीज़ आप देखो कि जो ऑब्जेक्ट था वो तो इतना बड़ा था, ठीक है, लेकिन क्या आपको इमेज इसकी इतनी बड़ी दिखाई दे रही है? नहीं, इमेज हमारी कैसी है, पॉइंट साइज्ड है। कैसी है बेटा? पॉइंट साइज्ड। तो इसके लिए हम दो वर्ड्स का यूज़ करते हैं, या तो हम उसे हाईली डिमिनिश्ड कह सकते हैं या हम उसे पॉइंट साइज्ड कह सकते हैं। क्लियर बेटा? अच्छा, अब ये दोनों रेज जो ऑब्जेक्ट से आई थी ये एक्चुअली मीट हुई थी या सिर्फ हमें मिलती हुई दिखाई दे रही थी? आप ऐसा देख सकते हैं रिफ्लेक्शन के बाद ये एक्चुअली मीट हुई हैं, इसीलिए इमेज कैसी है, रियल। कैसी है बेटा? रियल। और साथ ही साथ कैसी है? इनवर्टेड। क्लियर? ओके, अब हम आते हैं अपने दूसरे रे डायग्राम पे। दूसरे रे डायग्राम के अंदर अब अलग अलग रे डायग्राम्स में सिर्फ क्या होगा, सिर्फ हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेंगे। ये हमारा क्या है बेटा? मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये एम पॉइंट, ये एन पॉइंट। क्लियर? ठीक है, ये जो मिरर का सेंटर है इसी को हम पोल कहते हैं। यहाँ कहीं फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आप देख सकते हो कि हमारी जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या कहा उसने, क्या है, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सी से पहले कहीं भी रखी हुई है, मतलब वो कहना ये चाहता है कि मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं रखा हुआ है। क्लियर बेटा? तो हम उसे प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ रख देते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको ए मानते हैं, जो नीचे वाला पॉइंट है इसको बी मानते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब मुझे इस ऑब्जेक्ट में से बहुत सारी रे ऑफ लाइट आ रही हैं, लेकिन मिनिमम मुझे कितनी चाहिए, दो। तो एक रे ऑफ लाइट तो ये बिल्कुल पैरेलल आ गई। क्लियर? और आप सभी को पता है जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाती है वो कहाँ पर जाती है, वो फोकस से पास हो जाती है। क्लियर बेटा? सॉरी ये थोड़ा इधर हो गया, ये फोकस से पास हो गई, ऐसा हम समझें। क्लियर? दूसरी रे ऑफ लाइट हम कहाँ भेज सकते हैं, एक तो हम यहाँ से भेज सकते हैं, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा इसका फ़ायदा? क्योंकि हमें ऐसा पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जिस तरीके से जाएगी उसी तरीके से वो वापस आ जाएगी, तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक बात का हमें और ध्यान रखना है, जो भी लाइट की रे हम बनाएंगे उसकी डायरेक्शन हमें ज़रूर दिखानी है। क्लियर बेटा? तो मैं दूसरी रे को कहाँ से भेज रहा हूँ, मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि जो भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो जैसे जाती है उसी पाथ पे वापस आ जाती है। ऐसा क्यों होता है इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में दी थी। क्लियर बेटा? तो देखो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, दोनों जो रेज ऑफ लाइट हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पर मिल रही हैं कि नहीं मिल रही? बिल्कुल मिल रही हैं सर। ठीक है, तो ये मैंने इमेज बना दी। इमेज को जैसे उसको नाम दिया था मैंने ए बी, इसके ऊपर वाले पॉइंट को नाम दूंगा मैं ए डैश और इसके नीचे वाले पॉइंट को नाम दूंगा मैं बी। क्लियर हुई बेटा ये बात? क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। तो देखो अब मुझे इसके बारे में कुछ बातें बतानी हैं, ठीक है। जैसे तुम ऐसा देख सकते हो कि मेरा ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है लेकिन इमेज जो बनी वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनी, इसीलिए साइज ऑफ द इमेज मेरा क्या है, डिमिनिश्ड। कैसा है बेटा? डिमिनिश्ड। ठीक है, दूसरी बात, इमेज कहाँ पर बनी, तो मैं देख सकता हूँ ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये वाला पॉइंट मेरा क्या है, फोकस। मेरी जो इमेज बनी वो कहाँ बनी, बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी। क्लियर? कैसी इमेज बनी, दोनों रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं इसलिए इमेज कैसी बनी, रियल। ऑब्जेक्ट ऐसे था और इमेज बिल्कुल इसकी उल्टी बन रही है, मतलब सिर ऊपर थे और इमेज में सिर कहाँ चला गया, नीचे चला गया, इसीलिए इमेज कैसी बनी, इन्वर्टेड। क्लियर? आई होप आपको ये दोनों रे डायग्राम्स बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्लियर? अब मैं आपको जो इमेजेस हमें एनसीईआरटी में दी हुई हैं उसी में से डायरेक्ट समझाता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा बेटा। ठीक है, देखो ये फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, कौन कौन सी, ये
जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, और ये जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हुआ था, सी और इन्फिनिटी के बीच में, ये दोनों हम कर चुके हैं। ठीक है बेटा, अब हम कर रहे हैं ये तीसरी इमेज। क्लियर, कौन सी इमेज कर रहे हैं बेटा हम, ये तीसरा रे डायग्राम कर रहे हैं। इसके अंदर देखो हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखना है बेटा, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमें ऑब्जेक्ट रखना है। क्लियर, ऑब्जेक्ट हमें कहाँ रखना है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसने ऑब्जेक्ट रख दिया है और उसको नाम दे दिया है क्या, ए बी। क्लियर, अब यहाँ से हमारी दो रेज पास हुई, एक तो स्ट्रेट चली गई और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से पास हो गई, फोकस से पास हो गई। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, क्लियर है। अब दूसरी रे हम कहाँ से भेजें, देखो यहाँ पर तो हमने रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दिया था क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड रखा था, लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया, तो हम क्या करें? ठीक है, तो हम दूसरा काम करेंगे। हमने चार रूल्स करे थे ना, चार में से कोई भी दो रूल्स अप्लाई होने चाहिए। हमने रे ऑफ लाइट को कहाँ से भेज दिया बेटा, फोकस से भेज दिया, और हमें पता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जब फोकस से पास हो रही हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसके पैरेलल चली जाती है। कैसे चली जाती है बेटा, पैरेलल चली जाती है। क्लियर, तो ये जो दो रेज ऑफ लाइट आ रही थी, ये दो रेज ऑफ लाइट देखो कहाँ मिल रही हैं, एक तो रे ऑफ लाइट ये जो मेरा ए पॉइंट है, एक ये रही और एक ये रही, ये दोनों यहाँ पर मिल रही हैं। क्लियर, तो मेरी इमेज कहाँ बनी, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें दिख रहा है ए डैश बी डैश, ये मेरी इमेज है। क्लियर, अब इसका साइज बताओ, आप देख सकते हो जो साइज ए बी का है वही साइज किसका है, ए डैश बी डैश का, इसीलिए साइज ऑफ इमेज क्या है बेटा, सेम साइज। क्लियर, दूसरी बात, क्या इमेज रियल है, बिल्कुल रियल है क्योंकि दो रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं। क्लियर, तीसरा, ऑब्जेक्ट हमारा इस टाइप से रखा हुआ था लेकिन इमेज बिल्कुल उल्टी बनी है, इसीलिए इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। क्लियर, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, एट सी, इमेज कहाँ बनी, एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी। साइज क्या था इमेज का, सेम साइज, और नेचर क्या था इमेज का बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा नेचर था बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ तक की बात क्लियर है आपको? ठीक है, आगे फोर्थ डायग्राम में हम देखते हैं, तो फोर्थ डायग्राम में आपको क्या दिखाई देगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढो कहाँ है, ऑब्जेक्ट ये रहा ए बी, ए बी हम जिसको भी मानेंगे वो ए बी हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और ये कहाँ रखा हुआ है बेटा, तो आप देख सकते हो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है। अब देखो हम अपने ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे कहाँ लेकर आ रहे हैं, पोल की तरफ ला रहे हैं। पहले वो इन्फिनिटी पे रखा था, फिर उसे इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लिया है, फिर आगे खिसका के उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लिया है, और अब उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लिया है। क्लियर हुई बेटा यहाँ तक की बात? जी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब उसी तरीके से हमें दो लाइंस, दो रेज ऑफ लाइट भेजनी है। पहली रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और फोकस से पास हो गई, इसको आप बड़े अच्छे से जानते हैं। क्लियर बेटा? ठीक है, दूसरी रे ऑफ लाइट हमको यहाँ इस तरीके से भेजनी है। कैसे, क्या कह रहा हूँ बेटा, मेरी बात पे ध्यान देना। दूसरी रे ऑफ लाइट हमें इस तरीके से भेजनी है कि अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे ऐसा लगे कि वो कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। क्यों देखूँ, क्यों लगेगा ऐसा, क्योंकि हमारी आँख को क्या बात क्लियर है, हमारी आँख को ये बात क्लियर है कि लाइट का जो पाथ है, लाइट जो चलती है तो लाइट स्ट्रेट लाइन चलती है, ऐसा हमारी आँख को बिल्कुल क्लियर है। समझ में आ गई बेटा बात? ठीक है, तो देखो ये दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पर मिल रही हैं, हमें बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों रेज इस पॉइंट पर मिल रही हैं। क्लियर, तो हमने ए डैश बी डैश ये क्या बना दी, इसकी इमेज। अब हमें इस इमेज के बारे में बताना है, क्या बताना है, देखो ऑब्जेक्ट का साइज कैसा था बेटा, छोटा था, इमेज का साइज कैसा है, बड़ा, तो इसीलिए इमेज हमारी कैसी बनी, एनलार्ज्ड बनी। कैसी बनी बेटा इमेज, एनलार्ज्ड। एक बात क्लियर है आपको? ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है,
पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर बन रही है, इमेज सी से पहले, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज हमारी है बियॉन्ड सी। क्या है पोजीशन ऑफ इमेज? बियॉन्ड सी। क्लियर है बेटा? ठीक है। कैसी बन रही है इमेज, इमेज का नेचर कैसा है? हमें दिखाई दे रहा है कि ये दोनों रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं, इसीलिए इमेज कैसी है, रियल है। कैसी है बेटा इमेज? रियल है। और ऑब्जेक्ट से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। कैसी है बेटा इमेज? इन्वर्टेड। क्लियर? तो हमने अभी कितने रे डायग्राम किए? चार रे डायग्राम किए। आप इन चार रे डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए और जितने भी हमारे बाकी रे डायग्राम बचे हैं वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। क्लियर? सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। If you like the video, then also share it with your friends. ठीक है बेटा? And if you do not subscribe the channel yet, then please subscribe this channel for all the recent updates. Clear? So thank you very much. अच्छे से पढ़िए, NCERT को read करिए और इन ray diagrams की practice करिए। I assure you, आपको किसी भी tuition की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। You will understand all the topics very well and very clearly. ठीक है ना बेटा? इफ देयर इज एनी डाउट्स, इफ यू लाइक एनीथिंग अबाउट द वीडियो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।